कमान मनोन, मुझे वो वापस दो। लेकिन मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मनोन प्लीज, वो खत्म नहीं हुआ है, तुम उसे बिगाड़ दोगी। बढ़िया खबर लाई हूँ, पता है पार्क में फोटो शूट चल रहा है। अभी एड्रियन पार्क में है, अभी इस वक्त, जैसा हम हमेशा कहते हैं। वाओ, मैं उससे क्या कहूँगी? वही जो हमेशा कहती हो, मैं वो क्या है कि वही। बस करो। ये कौन है? उप्स, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई। और ये कौन है? ये है मनोन, मॉम की फ्रेंड की बेटी, आज दोपहर ये मेरे साथ रहेगी। ओह नो, मैं बाहर नहीं जा सकती। हाँ हाँ, मैं समझ गई, तुम एक और हेल्प चाहती हो, है ना? नहीं, मैं बस उन्हें मना नहीं कर पाई। देखो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस छोटी प्रॉब्लम को संभाल लूंगी। थैंक्स, पर मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये एक नन्हा फरिश्ता है। मनोन, बर्तन छोड़ो। यहाँ तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो, मुझे हमेशा मेरी बहनों को संभालना पड़ता है, जिससे मैं ऐसे फरिश्तों को संभालने में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ रिस्पा की दुनिया की एक जादुई यूनिकॉर्न, जो एक खूबसूरत लड़की के भेष में रहती हूँ। मैं उन नन्हे शैतानों की इच्छाएं पूरी करती हूँ जो अच्छा बिहेव करते हैं। नहीं, तुम नहीं हो। क्या तुम सच में हो? हाँ। ओके, चलो सभी पार्क में चलते हैं। ओके। लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। मैं अकेली संभाल लेती, पर थैंक्स। उनके मिराकुलस ले लो, मुझे उनकी शक्तियाँ चाहिए अभी। तुम्हारा दम घुटने से पहले मिराक्युलस मुझे दे दो। सपने देखते रहो बबलर। तुम लोग पार्टी खराब करते हो, बिल्कुल बड़ों की तरह। बच्चों को बड़ों की जरूरत होती है। गलत, बच्चों को आजादी चाहिए होती है, खाओ पियो ऐश करो, बड़े लोग हुक्म चलाते हैं। लेकिन बड़े बच्चों को संभालते हैं, उन्हें सेफ रखते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ज्यादातर बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। तुम्हें सबको वापस लाना होगा। नहीं, कभी नहीं। जानते हो, क्योंकि तुम लोगों को उनकी इतनी चिंता हो रही है, क्यों ना तुम उनके पास ही चले जाओ। तुम कर क्या रहे हो बबलर? तुम्हें उनसे मिराकुलस छीनना था। कैटाक्लिज्म यूज करो। क्या तुम ये अच्छी बात थोड़ी देर पहले नहीं कह सकती थी? हम एक सेकंड भी इस बबल में नहीं रह सकते। कैटाक्लिज्म। इस बार तुम अपने पंजों पर गिरोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी स्टिक वहाँ पर। समझ गया। कस के पकड़ना। शुक्र है कैट्स ऊंचाई से नहीं डर। वो टाइगर आराम से, जिसको आपने देखा वो गलत कैट है, वो चोर है, वो धोखेबाज है। मैं हूँ रियल कैट नोआर। मुझे चेक करने दो कि क्या चोरी हुआ है। मेरे पास एक तरीका है जिससे ढूंढ सकते हैं जानवरों की फितरत, यू नो। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया।
मैं रियल कैट नोआर हूँ, मैं उससे काफी ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। किटी जेल में है, आई रिपीट, किटी जेल में है, ओवर एंड आउट। मिस्टर मेयर, जरूर कोई गलती हुई है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? किटी जेल में है लेडी बग। सोचना भी मत कि तुम उसे। नहीं नहीं, एक्सपर्ट्स पर छोड़ दीजिए लेडी बग, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तुम्हारे इस वार्म वेलकम के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे स्प्लिट होना होगा, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, तुमने गलत कैट को पकड़ा है। कैट नोआर जेल से भाग रहा है। अगर उसने कुछ किया नहीं है तो फिर वो भाग क्यों रहा है? अगर गलती से आपको जेल में डाल दिया होता तो क्या आप नहीं भागते? हमें यहाँ पर मदद की जरूरत है, आई रिपीट, हमें मदद की जरूरत है, जल्दी से हमारे पास और फोर्स भेजिए। कैट नोआर, ये सब क्या हो रहा है? तुम जानती हो मैं बेगुनाह हूँ, जानती हो ना, ये खेल बंद करो और मुझे भूगभू बुलाना भी, मामला सीरियस है। मैं असली मुजरिम को ढूंढ निकालूंगा और अपनी पूछ बचा कर ही मैं। खुद को हमारे हवाले कर दो कैट नोआर। क्या तुम उसके पीछे नहीं जा रही हो? मैं इसे एक्सपर्ट्स के हवाले करती हूँ। चलो चलो पकड़ो उसे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ आओ। कहाँ गया? मुझे तो लगा कि हम उन्हें चेस कर रहे हैं। हाय दोस्तों, मदद चाहिए? थैंक्स। ये दोनों कमाल की स्केटिंग करती हैं। ग्राउंड पर इन्हें नहीं रोक सकते, तो अगर ये ग्राउंड पर ना हो तो दो लेडी बग्स, मैं तो स्वर्ग में हूँ। प्लान चेंज करना होगा, चलो फिर से टाइम में वापस चलते हैं, मुझ में ताकत नहीं। इस बार मुझे फेल मत करना। वो वापस पास में जाने की प्लान कर रहे हैं। लकी शॉट। इसका क्या करें? जब तुम दोनों ये ढूंढ रही हो तो मैं थोड़ा टाइम खरीद लेता हूँ। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? ऑफ कोर्स। कैटाक्लिज्म। चलो उसे फ्रीज कर देते हैं। हम बहुत तेज जा रहे हैं, हम रुक नहीं सकते। हाँ, बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। कर दिखाया। ये लो, ये वॉच तुम्हारी है ना? वाह, तुमने इसे कैसे ठीक किया? थैंक यू। मैं अब ये किसी को भी संभाल के लिए नहीं दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी गलती है। रिस्पांसिबिलिटी को कभी भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, मैं जानती हूँ। तुम बिल्कुल सच कह रही हो, अगली बार मैं बहुत ध्यान रखूंगी। थैंक यू लेडी बग। मैं जानती हूँ मैं 5000 साल की नहीं हूँ, तो फिर पायरस में आखिर वो लेडीबग थी कौन? मेरे जैसे क्वामिस और तुम्हारे जैसे सुपर हीरो हमेशा से थे। तो
उस पपायरस में उसमें तुम नहीं थी? तुम्हें क्या लगता है? तुम 5000 साल की नहीं लगती टीकी। ऐसे मैं नहीं हूँ, मैं उससे भी पुरानी हूँ। मैं एक वामी हूँ जो शुरुआत से ही हर एक लेडी बग के साथ रह चुकी हूँ। पर तुमने मुझसे बुरी लेडी बग तो कभी नहीं देखी होगी, है ना? हर लेडी बग अलग होती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रनेट, तुम अलग हो। अलग मतलब तुम कमाल की हो। तुम बहुत अच्छी और प्यारी लेडी बग हो और बहुत टैलेंटेड भी। तुम बहुत जल्दी सीखती हो। सच में? हाँ। अच्छा, अब सो जाओ। याद है ना कल तुम्हें हिस्ट्री का टेस्ट देना है? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अगर हम उस बर्ड हाउस को तोड़ दे तो अकुमा को पकड़ पाएंगे। ओके, पहले खिड़की खोलो, मैं उसे पकड़कर ऊपर खींचूंगी और फिर तुम उसकी सीटी छीन लेना। चलो, जो पहले चाल चलेगा वो जीतेगा। हमारे प्लान का सरप्राइज बिगड़ गया। दिल्ली दीदी, पास आ जाओ, तुम्हारे साथ लड़ाई करने में मजा आएगा। और मुझे भी। हमें यहाँ से बाहर निकालो लेडी बग। एक कॉइन, इसे मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी? यहाँ से निकलना तो तुम्हारा नामुमकिन है। मेरी सीटी, नहीं! कैटनो और उसकी सीटी! क्या ये नहीं हो सकता? यहाँ पर जासूसी करने बैठे हो? ओह, लेडी बग, लेकिन कम ऑन, तुम्हें सच में तो नहीं लगा ना कि वो असली लेडी बग है? हाँ, यकीनन नहीं। और वैसे भी कौन मानेगा कि वो असली लेडी बग है? वो तो बस मेरी बड़ी फैन है, एक कॉपी कैट। राइट। हेलो। हाय, कैसी हो लेडी बग? वहाँ है लेडी वाईफाई। वेल, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। हर कोई सोचता है कि लेडी बग के मास के पीछे कोई फरिश्ता है। एक बार फिर से सोच लो लोगों, तो पेश है असली लेडी बग क्लोई बुशवा। तुम कौन हो? पर मुझे लगा था तुम लेडी बग हो। तुम्हारी खबर को चौपट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगली बार दोबारा चेक कर लेना। तुम्हें पछताना पड़ेगा। आलिया,
आलिया की छुट्टी हो गई है। मैं हूँ लेडी वाईफाई, न्यूज धमाका, लेडी बग। चलो पता करते हैं तुम्हारी असलियत क्या है। मेरे पीछे आओ। तो प्लान क्या है? उससे उसकी शक्ति फोन से मिलती है। हम उसे बेसमेंट तक ले जाएंगे, वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता। ना रहेगा, बास ना बजेगी बांसुरी। क्या चाल है लेडी? हमें और नीचे जाना होगा। तुम मुझसे नहीं बच सकती लेडी बग। तैयार रहना। तो जब तुम लेडी बग नहीं होती तब क्या करती हो? अरे इस वक्त हमें इस काम पर ध्यान देना चाहिए। इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। तुम्हें पसंद आई? एक मिनट रुको, ये तो बस शुरुआत है। नहीं, ये सही वक्त नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ये तो बस मैं अंधेरे में ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकता। देखो, कितने टैलेंटेड हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपने पावर से लोगों को हर्ट क्यों करते हो। सब लोगों को नहीं, बस क्लोई को ही। लेकिन मैं ये हमेशा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने अपना वादा निभाया तो मैं भी निभाऊंगा। मैं भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि तुम एक वंडरफुल आर्टिस्ट हो। तो क्या मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल ड्रॉ कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं मैरिनेट। मैरिनेट, मुझे मेरी पेंसिल वापस दो, मुझे कुछ ड्रॉ करना है अभी। नहीं, ये मेरे पास रहने दो। कैटवॉर्ड, अभी। मैरिनेट, तुम उसके साथ मिली हुई हो? मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम भी क्लोई जैसी ही हो। मुझे चिढ़ाया, मेरा मजाक बनाया, मुझे यहाँ तक ले आई। कम ऑन, सच में हर कोई आज मुझे क्लोई के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? और मैं अपना प्रॉमिस वापस लेता हूँ। क्लोई को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। हम तो यहाँ फंस गए, क्या करें? कैटनोवर, तुम्हारी स्टिक ऐसे रखो और फिर एक्सटेंड करो। क्या आइडिया है? हाँ, मैं जीनियस हूँ। अब मुझे जाना होगा, एक सुपर हीरो का काम कभी खत्म नहीं होता। लड़कियाँ खतरे में है और लेडीज मेरा वेट कर रही है, मुझे बहुत से काम करने होते हैं। यू कैन थैंक मी लेटर। मैं इसे थैंक यू कहूँ? प्लीज, उसे मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मेरे आइडिया के बिना हम अब तक वहीं फंसे रहते। मुझे लगता है कि उसे क्लोई को बचाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए होगी। मैरिनेट आप सभी को आज सुबह ही बने ताजे क्रोसॉन्स लाकर देगी। थैंक यू मिस्टर डुपेन। आइए अब आलिया की मॉम से मिलते हैं, जो है ग्रैंड ली पेरिस होटल की हेड शेफ, जिसके ओनर मेयर मिस्टर बूशवा हैं। ये तो कमाल का है। देखो, इससे हाथ मत लगाओ। इसे संभाल कर रखो क्लोई, ये गलत हाथों में पड़ सकता है। सोच रही थी कि तुम्हारे पापा को कितने क्रोसेंस बेचने पड़ेंगे तुम्हें ये दिलाने के लिए। मैं क्या कह रही हूँ, उन्हें तो पूरी दुकान ही बेचनी पड़ेगी। अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुम्हें मुफ्त के क्रोसेंस की क्या जरूरत? जेलस। क्या चीज है? अरे ये तो चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत चमकीला है, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ देने के लिए मेरे पास डिशेस तो नहीं है, पर शायद मिस्टर बूशवा सबको खाने के लिए अपने होटल में बुलाएंगे, है ना? वो ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन तुम ना गिरती पड़ती हो। अब सबरीना के डैड यहाँ आएंगे, जो है पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर रॉजर। मैं 15 साल से पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं मानता हूँ कि जब तक किसी का दोष साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष ही रहता है। मेरा ब्रेसलेट चोरी हो गया, अभी तो यहीं पर था। तुमने चुराया है। क्या कह रही
हो तुम क्लोई? तुम जानबूझकर मेरे बैग पर गिरी ताकि मेरा ब्रेसलेट चुरा सको। तुम एक पुलिस वाले हो, अरेस्ट कर लो इसे। मेरी बेटी चोर नहीं है। जरा शांत हो जाइए मिस बुजवा, बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते। आप सभी लोग शांत हो जाइए, हो सकता है कि आपने गलती से ब्रेसलेट कहीं रख दिया हो। क्या आप मुझे झूठा कह रहे हैं? डैडी! रोजा, तुम इस लड़की की तलाशी लो। सब लोग शांत हो जाइए। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं इस शहर का मेयर हूँ, तुम्हारा सुपीरियर हूँ। लेकिन सर, ये कानून के खिलाफ है, मैं इस तरह किसी पर भी। ठीक है, तो अब से तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो। आप मजाक तो नहीं कर रहे? एक ब्रेसलेट के गुम हो जाने पर आप ऐसे? यहाँ मेरी बेटी की ब्रेसलेट की बात हो रही है, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी नौकरी गई, निकल जा। अच्छा है, चलो लेडी बग को बुलाते हैं, मुझे यकीन है वो जरूर कुछ अच्छा करेगी। हम अकेले ही रहे तो अच्छे हैं, हम ग्रुप से क्यों चिपक रहे हैं जब हम अकेले छुप सकते हैं? तो अब मेरे साथ चलो, कहीं छुपते हैं। ये देखो, कोई जानता है ये किसका है? ये एड्रियन का जूता है। अजीब बात है, यहाँ तो पिंक ब्लू है ही नहीं। हाँ है। तुम सब भागो! बचाओ! क्या बात है, मजा आ गया। छी, क्या नाम है तुम्हारा उल्टी करने वाले? बिल्लियाँ घिनौने मेंढकों से नहीं डरती। हमें जल्दी उसके अकुमा को ढूंढना होगा। कुछ नजर ही नहीं आ रहा, नीलों तक गंदगी है। बचाओ! डर, डर से इसे ताकत मिल रही है। जितना डरेंगे उसे उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। डर को हराकर हम उसे हरा सकते हैं। ओके, पर इसके पहले कि यह सूख जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। डियर एड्रियन, मुझे इस तरह के लेटर लिखने नहीं आते, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कितनी बेवकूफ हूँ मैं। हाँ, तुम थोड़ी सी बेवकूफ हो। शांत हो जाओ मैरिनेट, मैं तुम्हें चिढ़ा रही थी, बस एड्रियन के बारे में सोचो और दिल से लिखो। एड्रियन का लेटर, दैट्स इट, मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? मैं उसकी पोयम का जवाब दूंगी। मैरिनेट, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। ये परफेक्ट है। थैंक यू। अपना साइन करना मत भूलना। ये बहुत अच्छा शगुन है, लेडी बग्स का दिखना लकी होता है, खास करके प्यार के मामले में। सच में? हाँ, तुम लोगों को लेडी बग्स के बारे में पता होना चाहिए। सच में, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? प्राचीन काल से ही लेडी बग्स को प्यार का प्रतीक माना गया है, वो दिलों को समर्पण की ओर ले जाती हैं। इस हफ्ते का ब्लॉग है मेरा, तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ, पढ़ा था। तो उसकी आँखें हाथ और पैर हैं, क्या बड़ी बात है। तुम लेडी बग के प्यार में कैसे पड़ सकते हो, तुम जानते भी नहीं वो कौन है। तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल जानता हूँ, मुझे चेडर से प्यार है, स्विस से प्यार है, और मुझे कैमेम्बर्ट पनीर से भी प्यार है। बेचारा लड़का अपनी प्रेमिका के लिए कविता नहीं लिख पा रहा, इसलिए परेशान है। मुझे कविता की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे बता सकता हूँ। आई लव यू। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे कारण मेरी भूख मर रही है। वैसे ये टेस्टी था।
ग्रेट जॉब मैरिनेज, तुमने साबित कर दिया कि तुम लेडी बग और स्टूडेंट लीडर भी बन सकती हो। आसान नहीं था लेकिन मुझे खुशी है मैंने ट्राई किया, वरना मुझे पता नहीं चलता कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो तुम कहाँ थी? हाँ? जाके कहीं छिप गई थी? ओह प्लीज क्लोई, मैं ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक सैनिक के रूप में। मैं भी, ये कितना बुरा सपना था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो मेरी डायरी मुझे वापस दे दो। हाँ? सच में नहीं पता तुम क्या कह रही हो। प्लीज इसे निकाल दो। कोई एक्सप्लेनेशन दोगी क्लोई? मैंने कहा ना, मैंने उसकी डायरी नहीं ली है। तुम बेकार में ही मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी डायरी इसी में है? सब्रीना ने मुझे बताया था, ये पूरा इसी का आइडिया था। ये तो गलत है। अब हम इतना तो जानते हैं कि क्लोई को कोई वोट नहीं देगा, तुम हमारी नई रिप्रेजेंटेटिव हो। इतनी जल्दी नहीं आलिया। देखा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ बकवास कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे वोट दें इसलिए नहीं क्योंकि आप क्लोई को हराना चाहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास है। मैं वो वादे नहीं करूंगी जो मैं पूरे नहीं कर सकती, और तुम्हारी सारी फरमाइशें भी पूरी नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानती हूँ कि किस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं सबकी बातें सुनती हूँ और मल्टीटास्कर हूँ। आप सबको रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप पर भरोसा। इसलिए मैरिनेट को वोट दें क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। दिमाग खराब है? आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम किसी काम की नहीं। मेजॉरिटी वोट से मैरिनेट बन गई है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और आलिया उसकी डिप्यूटी होगी। तुम ब्लॉगर और डिप्यूटी दोनों बन सकती हो। कोशिश करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं आलिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिल गया। हे, तुम यहाँ? कूल, मैंने सोचा मुझे अकेले ही बैठना पड़ेगा। हे, क्या तुम मेरा फोन लाई? पता नहीं क्या ज्यादा अच्छा था, ये शो या फिर एड्रियन के बगल में बैठना। शायद तुम्हें उसे कॉल करके मूवी के लिए पूछना चाहिए। इससे मुझे याद आया कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है आलिया। मैंने गलती से लेडी बग वाला वीडियो तुम्हारे फोन से डिलीट कर दिया, और जब मैं उसे ठीक करने गई तो तुम्हारा फोन डस्टबिन में गिर गया, और अब उससे बदबू आ रही है। बहुत गंदी, सच में बहुत बहुत गंदी। I'm sorry, so 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 sorry। मैं जानती हूँ वो वीडियो तुम्हारे लिए कितना खास था, मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ। चल लेडी, तुम्हारी गड़बड़ करने वाली हरकतों को कोई जानता है तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मैं। तो इसका मतलब तुम नाराज नहीं हो? वैसे तुम्हें पहले ही मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मैंने वो वीडियो तुम्हें दिखाने से पहले ही ब्लॉग पर अपलोड कर दिया। मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। अब सब ठीक हो गया है तो मेरे सरप्राइज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो या ना हो, लेकिन मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओके, वो थिएटर देख रही हो? वहाँ अंदर तुम्हारे लिए कुछ है, स्टेज पर। हेलो आलिया, राइट? पिछली बार मैं थोड़ी जल्दी में थी, पर अभी टाइम है तो अगर चाहो तो लेडी ब्लॉग के लिए मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। नहीं, सच में ले सकती हूँ, सच में ले सकती हूँ। बैठो। तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन सच कहो, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल है। आलिया बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी दोस्त मिली है। क्या खिड़किया खोल सकते हैं? ये फिश की बदबू बिल भी नहीं सूंघ सकती। हमारे पास गिनती के सिर्फ 9 मिनट है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। प्रिंस का शेड्यूल बहुत ही टाइट है। क्या? सुनो, हम अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, हमें जल्द ही प्रिंस अली को पेरिस के बाहर ले जाना होगा। हमारा इस तरह मिलना मेरे खुशनसीबी है। खिड़किया बंद करो। मेरे प्रिंस, मैं तुम्हें पॉन्टेस आर्ट ले जाऊंगी और वहाँ हम दोनों एक हो जाएंगे। कैट नॉयर को हमने पकड़ लिया, बहुत जल्द ही लेडी बग भी वहाँ होगी और खेल खत्म। ओह नो, ट्रिकी कहाँ है?
रही थी। इंटरनेट, तुम्हारी हालत तो बहुत बिगड़ गई है, तुम्हें हीलर की जरूरत है। हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें रुख बदलना होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं ठीकी, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। हम हीलर के पास जा रहे हैं अभी। ये ठीक तो हो जाएगी ना? जो जल्दबाजी में हो उसे कभी भी गर्म पॉरेज नहीं खाना चाहिए। इसका इसकी तबीयत से क्या लेना देना? शांत रहिए प्लीज, मैं इसकी एनर्जी देख रहा हूँ। किस टाइप की कैट बताई थी तुमने? क्या? हाँ, बहुत रेयर, बिना बालों वाली उड़ने वाली जीव है, अचो राज्य से। मैंने वहाँ एक टैप डांसिंग कॉन्टेस्ट जीता था, तब मुझे ये मिली थी एक प्राइज के तौर पे। बहुत ही अजीब है। हाँ, बहुत। मेरा काम हो गया, आपकी कैट बिल्कुल सेहतमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वाकई एक जादूगर हैं सर। आप ये करते कैसे हैं? बहुत पुरानी चाइनीज सीक्रेट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, मुझे माफ कर दो, तुम इतनी बीमार थी और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या कर पाती। फिर तुम लेडी बन नहीं बन पाती। हाँ वो तो है, लेकिन ठीक है, तुम मेरे लिए मेरी क्वामी से बहुत बढ़कर हो। मैं जानती हूँ। खेल खत्म। अभी नहीं, अभी नया चैलेंजर आ गया है। कैटनोर, हे, सामने देखो। मैंने सुना है कि वीडियो गेम चैंप उस बॉस के निशाने पर है, लेकिन हर किसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले। हे रुको कैटनोर, मेरा फ्रेंड एड्रियन पार्क में छूट गया है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। फिक्र मत करो, एड्रियन मुसीबत में नहीं है, वो ठीक है, तुम यहाँ सेफ रहोगी, यहीं रहना, फिक्र मत करना, कैटनोर सब संभाल लेगा। चलो उड़ चले। हर बार ओवर एक्टिंग करता है। अगर कभी गेम जीतता है तो यही वक्त है। चलो चले। यहाँ से चले जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी। जल्दी, हे दिस गाय, यहाँ देखो। मेरा कैलकुलेशन मुझे कहता है कि तुम्हारा सिस्टम क्रैश होने वाला है। क्रैश तो तुम होने वाले हो रोबोट। वो अल्टीमेट मेगा स्ट्राइक से लाइफ साइज रोबोट है। जानती हूँ, और ये थर्ड लेवल पे है, फोर्थ लेवल लास्ट होता है। रुको, तुम ये गेम जानती हो? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, तुम और मैं, हम तो मिलने के लिए बने हैं। तुम यहाँ सेफ रहोगे, मुझे ये मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। चलो कैटनोवार, आप प्लीज खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखिए। बाकी हम संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करो। सर, आपकी हेल्प के लिए। You're welcome, Ladybug. अहा, ये बात। अरे ये क्या चीज है? एयर फ्रेशनर, इसकी खुशबू की वजह से वो हमें नहीं सूंघ पाएगा। थैंक्स, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी खुशबू ओशन समर ब्रीज जैसी है। लेडीबग, क्या हम उसे इसमें नहीं पकड़ सकते? जब तक वो बड़े जानवर में नहीं बदल जाता तब तक। क्या वो बस एक बड़ा केज बन सकती है? क्यों नहीं, पर उसे अंदर कैसे ले जाएंगे? वो आ रहा है। आ,
कर रहा है, वो किम की खुशबू सूंघ रहा है। मेरे साथ आओ। एक लेडी पार्क अच्छी चॉइस है। जब उसको जानवर में नहीं बदल सकता था। इस दरवाजे को खोलते कैसे हैं? कैसे कुछ होगा, चाबी ही नहीं है। मिराकुलस छीन लो उसकी अंगूठी, अंगूठी। बार बार ट्रांसफॉर्म करने से वो थक रहा है शायद। तो चलो उसे और थकाते हैं ताकि अकुमा को पकड़ना आसान हो जाए। अब तुम अकेली हो तो मैं तुम्हें कहाँ चली गई? अब मैं जीत गई। उस डॉल को छोड़ दो मनोर। मैं मनोर नहीं हूँ, मैं खापचिया हूँ। लकी चार्म। एक पावर स्ट्रिप। तुम तो गई काम से लेडी बग। संभल कर क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा डेंजरस हूँ। छोटे अकुमा, बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराकुलस लेडीबग। क्या हुआ था? तुम पपेट बन गए थे, पर डोंट वरी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। गुड। और हाँ लेडीबग, FYI, तुम कभी भी मेरे दिल के तार को खींच सकती हो। तुम एक पपेट बनकर ही अच्छे थे कैट नोअर। द चैलेंज के एक्साइटिंग आर में आपका स्वागत है। साइमन सेज की तरफ से फिर एक बार गुड इवनिंग। दर्शकों, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रहा गैब्रियल। साइमन सेज कि तुम एक तितली हो। हमें मिस्टर अग्रेस्ट को बचाना होगा। कल तक तुम जिंदा नहीं बचोगी तितली। जरूर उसके कार्ड्स में ही अकुमा है। लेकिन किस में? उसके पास बहुत सारे हैं। लेडीबग, कैट नोआर, तुम इसे बचा सकते हो, बदले में तुम मुझे अपने मिराकुलस अभी के अभी दे दो। सपने में भी नहीं। लकी चार्म। रेगुलर योयो, लेकिन तुम्हारे पास मैजिक वाला है। तुम्हें बाद में बताती हूँ।
साइमन सेज तुम्हारा यो-यो कोई काम का नहीं है। साइमन सेज तुम्हारी स्टिंग कोई काम की नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। साइमन सेज मुझे सुन रहे हो कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइमन सेज क्या कहता है इससे फर्क पड़ता है। साइमन सेज कि अपने मिराक्युलस उतार कर मुझे दे दो। साइमन सेज कि अब तुम एक छोटे हवाई जहाज हो। वो छत की तरफ जा रहे हैं, रोकना होगा उन्हें। उस अकुमा को पकड़ने का यह हमारा आखिरी चांस है और मैं अकेले नहीं कर सकती। अगर साइमन सेस को फ्री कर दिया तो मिस्टर अग्रेस्ट भी फ्री हो जाएंगे। तो हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम अपने यो-यो के बगैर मुझे कैसे हराओगी। साइमन सेस, सब खत्म हुआ। अब बस मुझे फॉलो करना। साइमन सेज कैटाक्लिज्म। ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारा यो-यो खराब किया था। ये वाला किया था पर ये वाला नहीं। तो तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं? एक मिनट रुकिए। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं एल्बम कवर डिजाइन करूं जैगेड स्टोन के लिए, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर? ये सच है, जैगेड स्टोन ने खुद ये रिक्वेस्ट की है। मैं तुम्हारे लिए कुछ विजुअल्स लाया हूं ताकि तुम समझ सको कि हमें क्या चाहिए। ये बिल्कुल भी जैगेड स्टोन मटेरियल नहीं लगता, ये तो परफ्यूम एड जैसा है। ये नए जमाने की नई इमेज है, मॉडर्न है अभी की। रियली? वाओ, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ और। सोचो मत, आजकल यही सब कुछ बिक रहा है। श्योर। और एक आखिरी बात मैरिनेट, हमें जल्दी है इसलिए तुम्हारा प्रपोजल शाम तक मिल जाना चाहिए, तो शुरू कर दो। हाँ ठीक है, ओके बाद में मिलता हूँ। मेरी बेटी फेमस एल्बम कवर डिजाइनर है, तुम तो कमाल करने वाली हो मैरिनेट स्टाइल। बुया। जैकेट स्टोन अपना स्टाइल क्यों बदलना चाहता है? एक्स वाई का म्यूजिक तो बहुत ठंडा, बेजान और बहुत ही रेपिटेटिव होता है। जैकेट के बिल्कुल ऑपोजिट है वो। और ये जो मैंने किया है, ये तो मेरा भी स्टाइल नहीं है। तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा करने को कहा गया। मुझे लगता है तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे। पर तुमने सुना ना मिस्टर रॉथ ने क्या कहा? कि इन दिनों बस यही बिक रहा है। लेकिन जैकेट स्टोन ने तुम्हें चुना तुम्हारी स्टाइल की वजह से। इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती। मैरिनेट फ्रांस की सुपर हीरो, इनोसेंट लोगों की रक्षक, पर इतना सा प्रेशर झेल नहीं पा रही। क्या हुआ उस जमीनी इंपल्सिव आर्टिस्ट को जिसने ये बनाया था? लेकिन बात ये है, मैरिनेट अभी छोटी है जैक, वो टारगेट ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती है, वो इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को लेकर आई है जैसा तुम चाहते हो। ये कुछ उस वाई जेड के कवर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैरिनेट बॉब की बात मत सुनो, क्या तुम कोई दूसरा बना सकती हो? यू नो जैकेट स्टाइल। हाँ क्यों नहीं, पर मुझे नहीं पता कि। मैरिनेट माई गर्ल याद रखना, जमीनी इम्पल्सिव कलाकार है। मुझे लगता है हमारा काम हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ जैसा चाहिए। मैरिनेट मेरे साथ आओ, डोंट वरी, तुम सिर्फ अपना बेस्ट दो। तुम सही थी टीकी, इसे चुराना गलत था। तो तुम फोटो डिलीट नहीं करने वाली? नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है जिसके लिए तुम हाँ कहोगी। ये हुई ना बात। ये लो, तुम इसे रख सकती हो। रेडी? एक्सक्यूज मी, ये गिर गया था। थैंक्स।
मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, पर मेरी एक क्लासमेट फोटो में नहीं आई, तो आप फिर से फोटो खींच सकते हैं? देखो, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, ऊपर से इतनी सारी मुसीबतें जो आई थी, और मिस्टर डेमोक्लिस तो... मुझे पता है, पर क्या आप स्कूल के बाद फोटो खींच सकते हैं? यहाँ बगल ही में एक अच्छा पार्क है। वैसे हमें एक औसम फोटोग्राफर की औसम फोटो चाहिए, प्लीज। अगर तुम इस तरह कहोगी तो ओके ओके, सब ठीक है, रेडी। फोटो का आइडिया अच्छा था मैरिनेट। थैंक्स एड्रियन। जैसे मुझे उस फालतू फोटो में कोई इंटरेस्ट था। रिडिकुलस, एकदम रिडिकुलस। एक पाउडर कॉम्पैक्ट। आ जाओ, मैं अब तैयार। हिलना बंद करो, लुक इनटू द लेंस। ऐसा मत करना मिस्टर स्टोन। कैराक्लिज्म। यस। कम ऑन, अपनी आंखें खोलो। इसे मारो। क्या ये कैसे हुआ? अगली बार यकीनन फोटो फिनिश नहीं होगा। मैंने हार नहीं मानी लेडीबग, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। मिरेकुलस लेडीबग। तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? कर दिखाया। इस वर्क एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू वेरी मच मिस्टर बुशवा। मुझे यकीन है कि हम सबको ये हमेशा याद रहेगा। मुझे भी। रुको, मैं तो भूल ही गया था, जैकेट स्टोन का आज रात कॉन्सर्ट है, तो आज जिन स्टूडेंट्स ने बढ़िया काम किया उन्हें मैं ये टिकट्स दे रहा हूँ। Ridiculous! क्या बकवास है? Good evening, fellas! Yeah! ये मेरी जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट है, अमेजिंग है। हाँ, बहुत अमेजिंग। मैं ये सॉन्ग उस लड़की को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच लेडी बग। इन मार्बल से हराओगी इस बच्चों के गेम से? यही तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत जल्दी जज करती हो। क्या तुम्हारी तुम्हारी बारी? समझ गया। मैं इसे संभालता हूँ। देखा, तुम तुम्हारे कैट नुआर के बगैर कुछ नहीं। कैट नुआर और मैं एक टीम में हैं। मुझसे लड़ना मतलब कैट नोआर से लड़ना। मेरी गलती नहीं है अगर तुम्हारे दोस्त ना हो तो। इससे पहले कि देर हो जाए उसका मिरेकुलस ले लो। कैराक्लिज्म। हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कर दिखाया। लेडीबग। क्लोई, देखो जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो वैनिशर को जल्दी हरा पाती। ओह,
अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को फिर से मान लेती हूँ। किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन रहूँगी हमेशा हमेशा। ओह हाँ, वेल थैंक्स आई सपोज। और अगर यही बात है तो मेरी एक सलाह मानना, जाकर अपनी फ्रेंड सबरीना को मना लो क्लोई। अच्छा, ये बात जब लेनी मक ने कही है तो फिर तुम्हारे एडवाइस के लिए थैंक यू कैट नोवर। ऑफ कोर्स, हम एक टीम है ना। अनस्टॉपेबल। बग आउट। ये ब्रेड सूप कुंग फू का मास्टरपीस होगा। बदबूदार लिक्विड के ऊपर टांगना जरूरी था क्या? मेरे ब्रांडेड कपड़े चिपचिपे हो रहे हैं। सूप बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, कुंग फूड बहुत अच्छा है। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। तुम मेरा बदला लो। जो हुकुम आका। चलो भी लेडी बग, बस तुम और मैं कहीं भी जा सकते हैं, क्या कहती हो? तुम्हारा मतलब ऊपर जाए? सही कहा, हम बस ऊपर ही जा सकते हैं। ये अचानक क्या हुआ? शायद हम दोनों की बिजली ने लिफ्ट की बिजली को काट दिया। ओह प्लीज, मुझे लगता है कि हम फिर से किसी बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं। मैं रॉयल हॉट पॉट स्मोक्ड सॉसेजेस की लंबी स्ट्रिंग के साथ। लगता है हमें फूड फाइट करनी पड़ेगी। मुझे सॉसेजेस के साथ चटनी पसंद है। होटल के फेमस सूट 36 में तुम्हारा स्वागत है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी चटनी बन जाएगी। मेरे सामने तुम कुछ नहीं लेडी बग। बिल लेने का टाइम आ गया। कंग फूड कैट नोवर का मिरेकुलस, उसकी रिंग मुझे अभी लाकर दो। तुम पूरी तरह से सुपर हीरो नहीं बने हो, अगर हो तो ये करके दिखाओ। सच में लेडी बग। Nice work, my lady. Ladybug? वो amazing है। एक लड़की को amazing बनाने के लिए कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं, you know? मुझे नहीं पता, I mean... तुम्हारे मन में ladybug के लिए एक खास जगह है? मैं? नहीं, नहीं तो... You know, मैं actually ladybug की बहुत close friend हूँ। सच में? हम दोनों इस बारे में बात कर सकते हैं, बस यहाँ नहीं। क्यों ना हम स्कूल के बाद पार्क में मिलें और फिर मैं तुम्हें सब बताऊं। मुझे जाना होगा, मेरे लेसन्स हैं 58 सेकंड्स में। पार्क? श्योर। एक विक्सन सुपर हीरोइन, इंटरेस्टिंग। मैं रिनेट जानती हूँ। इससे पहले एड्रियन लाला से पार्क में मिले, मुझे उसे बताना होगा कि वो लड़की एक चोर है। नहीं, तुम एड्रियन को ये नहीं बता सकती। और पहले मुझे उस बुक को देखना होगा। अगर ये वही है तो हमें उस बुक को पाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, हमें उस बुक की क्या जरूरत? मैं तभी एक्सप्लेन करूंगी जब मैं उसे देख लूं। हमें लाला का पीछा करना होगा। लेडी बग और मैं हम पक्की दोस्त हैं। चूटी। देखो, वो जा रही है। ओह, हम बहुत दूर हैं। ओह हाय। ओह नो, वो तो आ गया। उसने बुक डस्टबिन में डाल दी, कितनी बुरी है। मैं उसे ले आती हूँ, मुझे वो बुक लानी है। तुम एड्रियन पर नजर रखो। ठीक है। तो तुम लेडी बग को जानती हो? सच में? ये वही बुक है मैरिनेट। लेडी बग ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, उसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। क्योंकि हम दोनों में कुछ स्पेशल चीजें कॉमन है, तुम्हारे साथ उसी बारे में बात करनी थी। एक्चुअली मैं खुद एक विक्सन सुपर हीरोइन हूँ, वॉल्पीना। वॉल्पीना? वॉल्पीना? एक मिनट,
शायद मैंने उसके बारे में बुक में पढ़ा है। ऑफ कोर्स वो तुम्हारे बुक में है। वो सबसे इम्पोर्टेंट सुपर हीरो लेडीबग से ज्यादा पावरफुल और फेमस है। इसे हमारे बीच ही रखना। लेडीबग तो टॉप 10 सुपर हीरो से आती भी नहीं। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे नेकलेस दिया था। वाओ, ये तो काफी अच्छा झूठ बोल लेती है। ये रही तुम्हारी बुक। मैं एड्रियन को नहीं खो सकती। टाइम टू ट्रांसफॉर्म। यहाँ एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाएगा जो होगा शहर के नए प्रोटेक्टर्स के ऑनर में, लेडीबग एंड कैट नोआर। लेडीबग, उसका नाम लेडीबग है। इली, ये क्या है? सीरियसली, मेरे पर्सनल शेफ ने ये सब बनाया है। अगर तुम चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरी एनर्जी वापस आए तो मुझे खाने के लिए कुछ डेलिकेट लाओ। ओके, क्या चाहिए तुम्हें? अपने दो नए सुपर हीरो से मिलने की खुशी मना रहा है, लेडीबग और कैट नोआर। दूसरी तरफ हजारों लोग अपने आप मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हुए जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। कैमेम्बर चीज, क्या बात है! ये तो बस कैमेम्बर चीज खाता है। इसका मतलब मुझे स्टिंकी ओल्ड चीज की खुशबू आएगी। ये विक्टिम्स जो स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो स्टैचूज की तरह खड़े हैं। पुलिस टेंशन में है कि उन लोगों के साथ अब क्या होगा। क्या वो फिर से जिंदा होंगे? फ्लैग, ये क्या हो रहा है? मुझे लगा हमने उसे हरा दिया। तुमने अकुमा को पकड़ा? लेकिन अकुमा को पकड़ने से बाकी स्टोन बीइंग्स का क्या कनेक्शन? अकुमा मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना जरूरी है। अगर आइवन के इमोशंस फिर से नेगेटिव हुए तो अकुमा उसे फिर से स्टोन हार्ट में बदल देगा और वो स्टोन बीइंग्स को कंट्रोल करेगा और अपनी आर्मी बनाएगा। तो इसका मतलब ये सारी मेरी गलती है? मुझे पता था। देखा चीकी, मैं एक सुपर हीरो नहीं बन सकती, मैं सिर्फ सिचुएशन को खराब कर सकती हूँ। शांत हो जाओ, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तुम फिर से जाओगी और स्टोन हार्ट का अकुमा पकड़ लोगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर पाऊंगी, मैंने कहा था मैं क्लमजी हूँ। मैं बस काम बिगाड़ सकती हूँ, अपने लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। कैट नोआर मेरे बिना ज्यादा अच्छा काम कर लेगा। आई क्विट। तो मैं लेडीबग के बिना कुछ नहीं कर सकता? सिर्फ लेडीबग ही अकुमास को पकड़ सकती है और सुपर विलन ने खराब की हुई चीजों को सुधार सकती है। अगर कैट नोआर अकुमास को नहीं पकड़ सकता तो तुम किसी और लेडीबग को ढूंढ लो। मेरी बात मानो, मैं लेडीबग बनने के लायक नहीं हूँ। आई एम सॉरी टीकी। Really sorry, Tiki. मैं सबसे वादा करती हूँ, कोई भी आपको नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो लेडीबग और कैट नोआर आपको बचा ही लेंगे। Yes! Wow! वो मास्क के पीछे जो भी है, मुझे उससे प्यार हो गया है। सुपर हीरोज का यही प्रॉब्लम है, बहुत हीरोगिरी दिखाते हैं। स्टोन हार्ट, वो तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर ले जा रहे हैं। उनके मिरेकल्स छीन लो ताकि वो तुम्हारे सामने पावरलेस हो जाएं। ओके, अब मौत। बचाओ मुझे! तुम मिलन को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे साथ आओ स्टोन बिंग्स। हम घिर चुके हैं, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। हाँ, पर हमें पता है अकुमा कहाँ है। उसके मुट्ठी में, जिसमें उसने मिलन को पकड़ रखा है। तो हम जानते हैं कि वो उससे प्यार करता है। That's it! हम स्टोनहार्ट और मिलन को अलग नहीं करेंगे, उन्हें और करीब लाएंगे एक दूसरे के लिए। बस वो ये जानते नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। शायद अब से ये ऐसे ही रहने वाला है कि नहीं? बचाओ मुझे, ऊंचाई से डर लगता है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम इससे ज्यादा उन्हें और करीब कैसे लाने वाली हो? अपने पावर्स यूज करके। लकी चार्म। एक पैराशूट, लेकिन इसे यूज कैसे करूंगी? तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? जल्दी पता चल जाएगा। उसका हाथ, तैयार रहना। खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा।
हाँ।